हाँ देखिए आप इसी प्रसंग का अगला भाग सुना रहा हूँ आप लोगों को, अहंकार के अंत का भाग, पवन कैसे टिकमण के माध्यम से सुनिएगा। तो रानी ने कहा कर जोर सुनो हु मुनि जी, आसू ना गिरा है मेरा लाल के लान, लाल के लाने, क्या करो है मोरे, क्या करो है मोरे, ऐसो लाल के लान, लाल के लाने, रानी ने कहा कर जोर सुनो तो रानी बोली कि हमारा आंसू लाल के ऊपर नहीं गिरा, लेकिन हम आंसू गिरो इसे कि आधो आधे ने का बिगाड़ो, आप कह रहे हैं कि आधो खे लड़का को मांस सिंह, आधे ने का बिगाड़ो। तो देखो आप ये गीत में एक विशेषता है, ये आंसू गिरा ना हमारा कर्म के ऊपर, कर्म के ऊपर मोहे नैया सुत का गम, कर्म के रानी ने कहा कर जोर सुनो हो मुनि जी, तब क्या होता है कि देख रहे संत एक दूसरे की ओर कछु के बिना बोल, देख रहे संत एक दूसरे की ओर कछु के बिना बोल, अर्जुन से बोले कृष्ण कि अर्जुन हल कर दो ये प्रश्न इन लोगों का। तो अर्जुन कहने लगे प्रभु मैं क्या जानू, मैं तो आपका सेवक हूं। तो देखिए आप क्या होता है, तो रानी कहते हैं दोनों साधु, रानी कैसा किया सवाल तेरी बुद्धि बड़ी विशाल, रानी कैसा किया सवाल तेरी बुद्धि बड़ी विशाल, के होते हैं दो भाग दाया नर बाया नारी, सिंह हमारा नर को खाता ना खाता है वो नारी, ना खाता है वो नारी। आप लोगों ने देखा होगा शरीर में दाया भाग पुरुष का होता है और बाया भाग स्त्री का होता है, इसलिए वो दोनों साधु कहते हैं स्त्री के भाग को हमारा सिंह नहीं खाता है। तन के होते हैं दो भाग दाया नर बाया नारी, सिंह हमारा नर को खाता ना खाता है वो नारी, इसी से जीरा पुत्र तुम्हारा धन धन है बोल, इसी से जीरा पुत्र तुम्हारा धन धन बोल, लाल रानी ए रानी ए रानी कैसा किया सवाल तेरी बुद्धि बड़ी विशाल, रानी कैसा किया सवाल तेरी बुद्धि बड़ी विशाल। अब देखिए आप आखिरी में क्या होता है, कर लियो भोजन कर लियो, राजा रानी प्रार्थना कर रहे दोनों साधुओं से कि कर लियो भोजन कर लियो, मन को मिटो बेकार के भोजन कर लियो, कर लियो भोजन कर लियो, मन को मिटो बेकार के भोजन कर लियो। रानी थाली पर सो चार, साधु कह रहे रानी थाली पर सो चार, संतों ने करती इंकार, ना करे भोजन ना करे
थाली पर सो पांच के भोजन जब करहे ना करहे भोजन ना करहे थाली पर सो पांच के भोजन जब करहे तो रानी बोली कि दो जने आप हो और दो हम माता पिता है, पुत्र के पुत्र तो आपने मरवा डाला है, पांच थालियों की क्या जरूरत है। तो वो साधु महात्मा कहते हैं भगवान मन के आए थे। तो रानी कहती हैं कि ललन कहां से पाऊं, ललन कहां से पाऊं पांचवी थाली को जे है, ललन कहां से पाऊं पांचवी थारी को जे है। तो साधु बोले ललना पुलाओ रानी क्यों घबराती, अरे ललना पुलाओ रानी क्यों घबराती, लाल बिना ना खाऊं पुलाओ रानी अपनो ललनवा, लाल बिना ना खाऊं पुलाओ रानी अपनो ललनवा। तो देखिए आप आखिरी में क्या होता है। तो बेटा ताम्रत ध्वज हमारा कहाँ गया, बेटा ताम्रत ध्वज हमारा कहाँ गया, मान दी आवाज ललना आ गया। साधु बोले के बुलाओ आवाज लगाओ जरूर आएगा ललना, मान दी आवाज ललना आ गया, बेटा ताम्रत ध्वज हमारा कहाँ गया। देखिए आप क्या होता है आखिरी में। जब रानी ने आवाज लगाई तो ललना आ गया, जब ललना आ गया तो बड़ा अच्छा आनंद हो गया महलों में। तब रानी राजा ने क्या किया कि संतन को सत्य अजमा लो, अरे संतन को सत्य अजमा लो ललन छाती से लगाओ, संतन को सत्य अजमा लो ललन छाती से लगाओ। अरि संतन ने सत्य अजमा लो, अरि संतन को सत्य अजमा लो ललन छाती से लगा लो। अब जब ललना आ जाता है तो क्या होता है, सबके चरण छुए ललना ने, सबके चरण छुए ललना ने, सबके चरण छुए ललना ने, तो संतन ने सत्य अजमा लो ललन छाती। अब देखिए आप क्या होता है। तो राजा रानी कहने लगे कि प्रभु आप साधारण साधु तो है नहीं, आप तो कोई महापुरुष हैं, भगवान हैं। तो कहते हैं कि हाँ हाँ
कि हाँ हाँ कि सही सही रूप तुम बताओ, संत हो नैया को नौ देव हो। हाँ सही सही रूप तुम बताओ, संत हो नैया को नौ देव हो। हाँ इसने और अर्जुन ने अपना सही सही रूप दिखाया, दोनों ने अपना सही रूप दिखा दिया, कृष्ण ने और अर्जुन ने, और बोले अरे कहा परीक्षा लेने आए अपना रूप छिपाया। कि ऐसी तो रानी बोली कि ऐसी सत्य की परीक्षा कलयुग में लियो ना इंसान से। ओ ऐसी सत्य की परीक्षा कलयुग में लियो ना इंसान से। रानी बोली के ऐसी सत्य की परीक्षा कलयुग में लियो ना इंसान से, नहीं तो कि नहीं तो द्वार से भगाए इज्जत करे ना भगवान की। ओ नहीं तो द्वार से भगाए इज्जत करे ना भगवान की। आ भगवान की। देखिए आप आखिरी में जिस धुन से शुरू हुई थी उसी धुन से खत्म, केवल एक लाइन बची है। तो के हर सिंह बुंदेला गा रहे, के हर सिंह बुंदेला गा दई, अखण ने कर दई रचना। और इमें कछु कमी हो बैसो, इमें कछु कमी हो बैसो, अपना समझ क्षमा कर देना। हर सिंह बुंदेला गा रहे, अखण ने कर दई रचना। इमें कछु कमी हो बैसो, अपना समझ क्षमा करना। इस रचना में यही लिखा है कभी घमंड नहीं करना। और एक से एक हुए धरती पे, एक से एक हुए धरती पे, आखिर उन्हें पड़ा मरना। एक से एक हुए धरती पे, आखिर उन्हें पड़ा मरना।